इस मामले में परिवहन विभाग पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। श्री डूंगरगढ़ में रफ्तार का कहर लगातार जारी है। नेशनल हाईवे 11 पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और हादसे के शिकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सड़क प्रतिदिन लाल होती जा रही है, लेकिन इन सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा है। ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाएं बड़े डंपरों की वजह से हो रही हैं और ये डंपर चालक अवैध रूप से ओवरलोड माल भर के स्पीड में चलते हैं और उस वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं इन डंपर चालकों द्वारा वाहन के नंबर प्लेटों के साथ भी पूरी तरह से छेड़खानी कर रखी है, ताकि किसी भी स्थिति में यह पुलिस की पकड़ से दूर हो सके। वहीं परिवहन विभाग द्वारा जब कभी भी इन वाहनों को जब्त किया जाता है ओवरलोड माल ले जाते हुए, तब भी वो इन पर सिर्फ ओवरलोड का चालान मराकर छोड़ देते हैं, जबकि इनकी नंबर प्लेटों के साथ जिस तरह से छेड़खानी की हुई है उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। ज़्यादातर चलने वाले डंपरों के आगे पीछे नंबर पूरी तरह से हटा दिए जाते हैं या नंबरों पर कालिक पोत कर या कुछ नंबरों को काट छांट कर दिया जाता है, ताकि ये सड़क दुर्घटनाओं के समय पुलिस की पकड़ से दूर हो सके। कहीं ना कहीं प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह के डंपर चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहे हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए कैलाश राजपुरोहित।